हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं वो है महिंद्रा एक्सयूवी 300 का W8 पेट्रोल के अंदर ऑप्शनल वेरिएंट। तो फ्रेंड्स, इस ओनरशिप रिव्यू के लिए हमारे साथ हैं विश्वास जी, जो कि बैंगलोर से हैं। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके ओनरशिप रिव्यू के लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है और इस ओनरशिप रिव्यू को हमने ऑन कॉल वीडियो कॉल जो है हमने उसको शूट किया है। ऑल दो विश्वास जी को ये गाड़ी लिए हुए ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, उनको सिर्फ एक महीने का टाइम हुआ है और इनफैक्ट उन्होंने ये गाड़ी जो है वो हमसे इंस्पायर होके ली है। वो बेसिकली टेक्निकल टॉक्स के सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने हमारी वीडियोस को फॉलो करके ही ये गाड़ी को फाइनल किया है उन्होंने। तो एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ एक महीना पहले ये गाड़ी परचेज की है, तो ऑब्वियसली उनके पास 2022 का वेरियंट है और इस वक्त मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि जिनका फेसलिफ्ट आ चुका है, जैसे कि ब्रीजा का फेसलिफ्ट आ चुका है और महिंद्रा एक्सयूवी 300 का अभी कोई फेसलिफ्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये वाली गाड़ी ऑप्ट की है। तो इस वक्त उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त उन्होंने ये गाड़ी को क्यों ऑप्ट किया और क्या एक्चुअल में ये अभी भी वर्थ बाइंग है, मतलब बाकी गाड़ियों के मुकाबले वर्थ बाइंग है, क्योंकि ये सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ी है और वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है इसको लेने के बाद। तो एक बार चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करवाना हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई किसी एक्सीडेंट की वीडियो होती है तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमारे को हमारे ईमेल एड्रेस पे। YouTube and it's like whom I would say advice I took for buying this XUV 300. It's like I'm talking to him face to face, so it's a pleasure. It's a pleasure. Okay, same here. So shall we start? अच्छा, तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ विश्वास जी हैं, ये बैंगलोर से हैं। विश्वास जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ विश्वास जी हैं जो कि बैंगलोर से हैं। सो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, बेसिकली वीडियो कॉलिंग के ऊपर रिव्यू लिया है हमने इनका। और जैसा कि विश्वास जी ने बताया कि इससे पहले इनके पास मारुति की गाड़ियां थी, तो इन्होंने मारुति से महिंद्रा के ऊपर स्विच किया है। तो विश्वास जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि मारुति से महिंद्रा के ऊपर स्विच करना कितना इजी था और क्या क्या थॉट्स है आपके इसके बारे में, और अब स्विच करने के बाद किस तरीके का एक्सपीरियंस है आपका महिंद्रा के अंदर? जरूर। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं मारुति का, आई वुड से मेरे पास तीन गाड़ियां थी मारुति की, और इट्स लाइक आई वाज ड्राइविंग मारुति कार सिंस 2006 and it was a very, first of all, it was a very 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 tough decision ki main maruti se bahar kis tarah se aaunga, because main soch raha tha ki I would say mahindra ki service kaisi rahegi, gaadi ka power kaisa rahega, resale value sab kis tarah se rahega, because maruti ke humne andar yahi seekha tha। exactly, ye sabke saath hi rehta hai ki matlab exactly sabke saath yahi rehta hai ki switch karte waqt ye sochta hai banda ki uski service kaisi rahegi। to mindset hai indians ka wo yahi hai ki tata aur mahindra ki service is not that up to mark। तो आपकी एक्सपीरियंस, कभी सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा महिंद्रा के साथ, कभी किया हो कब का? तो सर्विस एक्सपीरियंस तो अभी नहीं हुआ, इनफैक्ट मैंने ये गाड़ी 9th ऑफ नवंबर को ही ली है। ओह अच्छा, सॉरी 9th ऑफ दिसंबर को ही ली है, और अभी बेसिकली मेरे पास आई वुड से 13 दिन के करीब ही हुए गाड़ी चलाते हुए। ओके, एंड इट्स अ ब्लैक, तो सर्विस का तो अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि पहली सर्विस इट्स 1000 किलोमीटर, जो मुझे लग रहा है कि मे बी जैन मिड के करीब या जैन एंड के करीब मेरे को करवानी रहेगी पहली सर्विस। ओके, लेकिन अपार्ट दैट जो मेरा प्री बाइंग एक्सपीरियंस था, जो मैंने आपको बोला कि बहुत डर था मुझको, लेकिन जो मेरा प्री बाइंग एक्सपीरियंस था महिंद्रा के साथ, आई वुड से डीलर के साथ, नेगोशिएशन पावर्स के अंदर और सब, सो इट वाज लाइक इट वाज ऑसम, इट वाज वेरी वाव एक्सपीरियंस। महिंद्रा ने ऐसे लगने ही नहीं दिया कि इट्स लाइक के मुझे, जैसे कि मैं नेगोशिएशन का बोलूं, नेगोशिएशन मुझे करने नहीं दिया, मुझे पहले बता दिया कि ये इतना प्राइस तो हम दे ही सकते आपको। ओके, सो इट्स लाइक के जो था कि इतना मिलना चाहिए, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उतना था, सो एथिकली स्पीकिंग मैंने ज्यादा नेगोशिएशन भी नहीं किया था। प्री बाइंग एक्सपीरियंस जो मेरा था, टेस्ट ड्राइव से लेके वो सब कुछ सारा समझाना मुझे डिटेल में, क्यों मुझे W8O के ऊपर आना चाहिए W8 के सामने, सब कुछ बेसिकली इतना स्मूथ एक्सपीरियंस था ना कि आई कांट, आई वुड से डिस्क्राइब, इट वाज अ वेरी ऑसम एक्सपीरियंस।
सो नाउ इट्स लाइक आई एम होपिंग कि हो सकता है मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस भी उतना ही ऑसम हो जितना मैंने रजत जी के वीडियोस देखे हैं और मुझे पता है, तो मुझे लगता है 99% कि मेरा डिलीवरी आई वुड से सर्विस एक्सपीरियंस भी ऑसम ही रहेगा. नो डाउट, मतलब सर्विस एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल जो रहा है, मैं दो बार होके आया हूँ तो सर्विस एक्सपीरियंस वॉज गुड, जैसे मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है. जी 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 जरूर. तो आपका ये W8 ऑप्शनल वेरिएंट है? जी ये मेरा W8O वेरिएंट है, W8 ऑप्शनल. इनफैक्ट ये मुझे मार्केट W8 के सामने मेरा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जब मार्केट में गया था तो मेरा बजट अराउंड 30 लाख के करीब था ONR. ओके. तो उस समय भी मैंने बहुत सी गाड़ियां देखी थी 13 लाख ONR के अंदर, बेंगलोर के अंदर, जैसे ब्रेजा, नए वाला ब्रेजा आ गया, आई वुड से सोनेट आ गई, वेन्यू भी मैंने ट्राई की थी, उसके सामने टाटा नेक्सोन के भी मॉडल मैंने 2-3 ट्राई करे थे. बट आई वुड से जो पहली बार के अंदर गाड़ी में बैठ के जो एक प्रीमियम फील आता है वो W8 नहीं, मतलब महिंद्रा XUV300 ने मुझको दिया. एग्जैक्टली. जैसे एक मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने अपनी वाइफ को जब पहली बार बिठाया था, मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी नई वाली ब्रेजा की, तो आई वुड से सिटी के हिसाब से मुझे थ्रस्ट सब कुछ सही लगा था, पावर बहुत ज्यादा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था, लेकिन सिटी के हिसाब से सही था. मैंने अपनी वाइफ को जब बिठाया था तो शी वाज लाइक बैठती बोलती है यार ये पिंजरे के अंदर मुझे काम कर दिया. सो दैट वाज आई वुड से इन अ वे बहुत एक सटल वे की तरह उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये गाड़ी मुझको नहीं पसंद आ रही है. फिर मैंने उसके साथ गाड़ियां ट्राई करी, सब में सेम चीज थी, कॉस्ट सेगमेंट एक ही है, सब 3995 बड़ी है और आई वुड से विड्थ के अंदर भी सब सेम ही सिमिलर ही है. लेकिन मैंने फिर जब महिंद्रा के बारे में पढ़ा तो मुझे 2-3 चीजें अलग पता चली कि महिंद्रा XUV 300 का आई वुड से व्हील बेस बहुत बड़ा है. एग्जैक्टली. दिस व्हील बेस कंपेरेबल टू क्रेटा. एग्जैक्टली. इनर स्पेस होगी वो क्रेटा के जैसी मिलेगी. बिल्कुल. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स. फिर बेसिकली मैंने जो दूसरा देखा कि जो मैं आपको खुद ही दिखाऊं तो बेसिकली आपको आइडिया आएगा. जैसे अगर आप ये देख पा रहे हैं, सो आई वुड से जैसे दूसरी गाड़ियों के अंदर एक हम्प क्रिएट किया गया होता है तो बैठने का तो होता है, जबकि यहाँ पे एकदम फ्लैट है तो वो बेसिकली एक अलग सा आई वुड से अच्छा सा एक थर्ड पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल राइड देता है इससे. जी कंफर्टेबल देता है. और दूसरा मैंने जैसे देखा था कि मुझे नेक्सोन पसंद आ रही थी, लेकिन नेक्सोन में मैंने जो देखा था कि ये थोड़ा स्लैंट है. एग्जैक्टली. सो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पीछे वालों के रियर स्पेस, रियर आई वुड से अगर कोई बड़ी आई वुड हेलो सो मेरे लिए थोड़ा इश्यू कहीं क्रिएट हो सकता था. एग्जैक्टली. व्हिच आई डिडंट वांट इट. सो बेसिकली मैंने इसके अंदर जो देखा कि इट्स लाइक इसके अंदर पूरा फ्लैट ही है. मेरी जैसे काफी लोगों से बात भी हुई है, जैसे मेरी भी काफी लोगों से बात हुई है, तो सबका डिनाइंग का रीजन यही है कि इसका जो डिजाइन है वो पीछे वाला जो डिजाइन है वो किसी को पसंद नहीं आता. नो डाउट गाड़ी बढ़िया है, लेकिन ये पीछे वाला डिजाइन किसी को पसंद नहीं आता. जी बहुत बढ़िया गाड़ी है, आई वोंट डिनाई इट, लेकिन ये एक है और ये एक सॉफ्ट पॉइंट है. और दूसरा एक सॉफ्ट पॉइंट मैंने जो सुना था मेरे 2-3 दोस्तों से जिनका नेक्सोन है, दे वर लाइक के नेक्सोन के इतने सारे मॉडल्स हैं, इतने सारे इंटरनल आई वुड से इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन मॉडल के हिसाब से अलग अलग चीजें, तो कई जगहों पे ना डीलर के सर्विस स्टाफ को भी पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं. एग्जैक्टली. बिल्कुल. वो जैसे कई जगहों पे उनका आई वुड से इंफोटेनमेंट के अंदर इशू आ गया, बात की तो सामने से रिस्पॉन्स मिला सर हमको पता नहीं है, आप गाड़ी रख दीजिए वापस से हम ट्राई चेक कर लेते हैं. सो इस तरह के आंसर आई वुड से एक कॉन्फिडेंस दिला देते हैं आपका. एग्जैक्टली. यार जो सर्विस टेक्नीशियन है उसको ही इतना नहीं पता तो मेरे लिए तो फिर बेसिकली क्या होगा. बिल्कुल. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. ओके. एंड अगर हम बात करें कि सर आपको जो XUV 300 ऑप्शनल थी कितने की पड़ी थी आपको ये? सर ये मेरे को बैंगलोर में ऑन रोड 14.87 की पड़ी. ओके. जबकि W8 अगर मैं देखता तो वो मेरे को 1.25 लाख सस्ती पड़ रही थी बैंगलोर में ऑन रोड. लेकिन ये 1.25 लाख के अंदर सबसे पहले तो मैंने थोड़ा नेगोशिएशन करा, आई वुड से मैंने क्या किया, सामने से मुझे बता दिया गया कि आपको डीलर आई वुड से एसेसरीज के अंदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 25-30,000 तक के करीब का. Okay. तो आराम से वो 1 लाख के अंदर आ गई. अब दूसरी बात क्या हुई कि 1 लाख के अंदर अगर आप बैठे हो तो आपके पास 1 लाख के अंदर TPMS आ रहे हैं, एलॉय व्हील्स आ रही है, लेदर सीट्स आ रही है,
जैसे कि आपने बताया कि आपको इसको चलाते हुए सिर्फ 15 से 20 दिन हुए, तो उस 15 से 20 दिन के अंदर आपने इसको कितना रन कर लिया होगा, यानी कि कितने किलोमीटर चला लिया होगा, और उन 15 से 20 दिन के अंदर आपका इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर के करीब रन करा हुआ है. ओके. और अभी तक इनफैक्ट आई एम नॉट लकी कि मैं इसको बाहर ले जा पाया हूँ, क्योंकि ऑफिस का स्केड्यूल ऐसा था. तो मैं इसको बाहर ले जाना चाहता हूँ मेरे चीता को, कि देखना चाहता हूँ कि किस तरह का एक्सपीरियंस है. लेकिन जितना मुझे पता है एक्सपीरियंस उसका ही बड़ा ही होगा. एग्जैक्टली. इनफैक्ट ये 300 किलोमीटर मैंने सिटी में ही चलाए हैं अभी तक. अच्छा, तो मतलब आई फील कि योर एक्सपीरियंस इज गुड. यस, एक्सपीरियंस इज ऑसम. गुड. ऑसम. ओके. लेकिन इसका जो अलग से एक फील आता है, जो आपको थ्रस्ट मिलता है, जो इनर आप अंदर बैठते हो उसका आपको फील मिलता है, आपको थाई सपोर्ट अच्छा सा मिलता है, आपको एडजस्टेबल बैकरेस्ट मिलता है, तो वो सब चीजों के हिसाब से इसका थोड़ा एक प्रीमियम फील एक आता exactly. है. और थ्रस्ट और इंजन वाइज बहुत अच्छी है ये गाड़ी. मतलब नो डाउट इसके अंदर बैठने के बाद एक प्रीमियमनेस फील होता है. आप लगता है कि आप अच्छी बड़ी एसयूवी में बैठे हो. नो डाउट इसके कंपैरिजन में जितनी भी जो गाड़ियां हैं वो नहीं है, इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां वो नहीं है इसके इक्विवेलेंट. जी. तो इनफैक्ट मेरी बहुत पहले, मैं टीम बीएचपी का मेंबर भी हूं, तो बहुत पहले मैं एक बंदे से बात कर रहा था टीम बीएचपी के, तो ही वाज लाइक कि महिंद्रा ने ये बहुत स्मार्ट मूव खेला है कि जहां पे उन्होंने बूट स्पेस को थोड़ा कम कर दिया है और इनर स्पेस ज्यादा दे दी है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं, तो वी आर अ न्यूक्लियर फैमिली. मैं, मेरे वाइफ और मेरा 5.5 इयर्स का आई वुड से डायनो, मेरा किड. ओके. हमारे तीन के हिसाब से बूट स्पेस बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली. इट इज मोर देन इनफ. यस, डेफिनेटली. जो जानना होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई आपको, आप जा रहे हो तो मतलब महीने के अंदर हर महीने आप दिल्ली जाओगे गाड़ी लेके, या हर 2-3 महीने में आप लेह लद्दाख जा रहे हो. बेसिकली उन सब चीजों के लिए अलग आई वुड से कन्वीनियंस मोड दिए हुए हैं. बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की दया से. तो बेसिकली व्हाई नॉट गो फॉर दैट थिंग. गाड़ी इज नॉट फॉर दैट पर्पस के आप पूरा सामान ढोके अच्छा खासा, और कई लोग करते भी करते है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट थिंग एंड आई एम नॉट डिमीनिंग दैट देम. लेकिन मेरे हिसाब से बूट स्पेस इज मोर देन इनफ फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली. डेफिनेटली. अगर आपकी बड़ी फैमिली है, यू शुड गो फॉर, आई वुड से यू शुड लुक फॉर द बूट स्पेस थिंग ऑल्सो. एग्जैक्टली. और जैसे मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता भी हूँ कि माई फील की फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन यूर लगेजेस. और वैसे भी मैनेजेबल है, मतलब 40-60 की स्प्लिट सीट है, तो इजीली मैनेजेबल है इसके अंदर. जी. और वो बहुत कम होता है. I would say, अगर वैसा भी है जैसे आपने बहुत राइटली कहा 40-60 का. हाँ. तो अगर आपको, लेट से आप अपने पेरेंट्स को लेने जा रहे हो या कुछ ऐसा है, तो उस समय पे आप एयरपोर्ट से आप 40-60 का exactly. मार दो, सामान थोड़ा ज्यादा रख लो. यू हैव द ऑप्शन. और ऐसा तो है कि महीने में हर 12 महीने में होता है वो. एग्जैक्टली. साल में एक या दो बार हो. एग्जैक्टली. तो आई थिंक इतना वो ले सकते हैं, क्योंकि फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट. उनको पीछे बैठना है, जो आप बता रहे थे अपने पुराने वीडियो में. एग्जैक्टली. कि उनको बैठने, आप उनका कंफर्ट देखिए ना. डेफिनेटली. सामान का कंफर्ट थोड़ी. सही बात है. कुछ सर इसके साथ, जैसे कि आपने बताया लंबे रूट आपके हुए नहीं, लेकिन फिर भी फैमिली का और किसी का क्या मतलब ओपिनियन, या फिर जैसे आप फैमिली में लेकर गए होंगे तो उनका ओपिनियन कुछ अगर शेयर करना चाहे तो. आई वुड से ज्यादा, मैं एक आई वुड से फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊंगा मेरी फैमिली का. जैसे मेरा लड़का सबसे पहले जब टेस्ट ड्राइव मैंने ली थी, उसके बाद जब दूसरी बार मैं अपनी फैमिली को लेके चला गया था गाड़ी देखने, तो मेरे लड़के ने जब जैसे ही आई वुड से अपना उसको छोटा 5.5 ईयर्स का है, तो उसके लिए आई वुड से उसका शौक यही है कि यार बेसिकली सनरूफ होना चाहिए गाड़ी के अंदर. क्योंकि उसने अपने पापा की गाड़ी में देखा था सनरूफ, उसने अपने चाचा की गाड़ी में देखा हुआ है, तो उसको था कि पापा आपके पास सनरूफ वाली गाड़ी क्यों नहीं है. सो बेसिकली दिस वाज आल्सो वन ऑफ द लीवर कि मैं गाड़ी चेंज करने का सोच रहा था. लेकिन जब वो पहली बार बैठा था, मैं सही बात पे आऊं, तो जैसे उसने सनरूफ खोला, तो ही वाज लाइक कि पापा ये तो चाचू की गाड़ी से भी बड़ा, उससे भी बड़ा लग रहा है. और जब मैंने फिर वो देखा, तो सेम सेगमेंट के अंदर ये आई वुड से जब मैंने इसके ऊपर और स्टडी करा, तो इस सेगमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा है. डेफिनेटली. राइट. सो इट्स
छोटे बच्चे ने बस देखते ही बोल दिया कि पापा ये सनरूफ तो चाचू की गाड़ी से भी बड़ा है. तो इट वाज वन ऑफ द आई वुड से प्लेजेंट एक्सपीरियंस प्लेजेंट टॉक विद माय सन के जब उसने किया था. और जब वाइफ बैठी थी तो शी वाज लाइक के मेरे हिसाब से अगर आप 1.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च देना चाहिए इस चीज के ऊपर क्योंकि एक प्रीमियम फील आ रही है. डेफिनेटली डेफिनेटली जैसे मैंने बोला मेरा बजट था 12 लाख तक का ही था. हो सकता है मैं उसको अगर बैठा मैं लेता ZXi तो मैं 12.5 के करीब कर देता उसको. लेकिन मेरी वाइफ ने फिर वही बोला कि 1.5 लाख अगर ज्यादा भर दो अगर इस प्रीमियम फील के लिए तो कोई इश्यू नहीं. कोई इश्यू नहीं है. डेफिनेटली डेफिनेटली. जैसे कि मुझे सर ने भी बताया कि इन्होंने हमारी एक वीडियो देख के कुछ एसेसरीज अपने इसके अंदर ऐड करवाई हैं. तो सर आप बताना चाहेंगे कि क्या एसेसरी आपने ऐड करवाई हैं? जी जरूर जरूर जरूर. ये साइड बार है. हाँ. ये मैंने एक एक्स्ट्रा लगवाया. ओके. उसके अलावा बस ये नॉर्मल दो मैंने चार लगवाए हैं हर गाड़ी हर गेट के आगे. ओके. उसके अलावा अगर आप बाहर से देख पा रहे हो तो ये मैंने अपने सनवाइजर लगाए हैं गाड़ी के अंदर. मेरे को आई वुड से मार्केट के अंदर ये मुझको अराउंड 1300 के भी पड़ रहे थे अमेजोन और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर. बट व्हाट आई थॉट के अगर आप जैसे ये मुझको 1500 का पड़ा. okay. तो व्हाट आई थॉट के अगर आप 200 रुपए आप ज्यादा भर रहे हो और कंपनी का ही ले रहे हो जो वारंटी का भी माल है. एग्जैक्टली. exactly. कंपनी की लाइबिलिटी होगी डेफिनेटली सब कुछ. तो वाई नॉट गो फॉर 200 एक्स्ट्रा. डेफिनेटली डेफिनेटली. तो डेफिनेटली. और दूसरा अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक मैट है. मैट जो बेसिकली मेरे टेक्निकल टॉक्स के अंदर ही देखा था. लाइक दिस वाज हाईली रिकमेंडेड के ये लेना ही चाहिए. तो ये मैंने लगवाए थे. और ये आई वुड से प्रैक्टिकल भी है. ये मैं बोलूं तो ये चीज प्रैक्टिकल भी है क्योंकि आपकी गाड़ी व्हाइट जैसे मेरी गाड़ी व्हाइट कलर की है. मेरा आई वुड से डस्टी एनवायरमेंट के अंदर भी ट्रैवलिंग होता है. तो उस समय के ऊपर मिट्टी डंपिंग आपकी इधर तो निकलने में थोड़ी मुश्किल होगी. लेकिन जब ये होगा तो सिंपल सा आप बाहर निकालो इनको. आप इनको साफ कर दो और वापस प्लेस कर दीजिए. सो दिस वॉज वेरी प्रैक्टिकल सजेशन बाय रजत. बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से मैंने ये रेन वाइपर्स लगाए हुए. रेन वाइजर्स राइट. जी. तो ये मैंने बस इतना ही लगवाया है. बाकी अगर मैं बताऊं आपको मैंने बस आफ्टर सेल्ड मार्केट से ये एक लिया था. okay. एयर फिलर डिजिटल एयर फिलर है वॉशर का. okay. जो बेसिकली बहुत काम भी आता है मार्केट के अंदर. अगर आप जाओ तो हवा कभी अब आप कभी बाहर घूम रहे हैं मे बी फॉर मी इट्स लाइक आई ऑलवेज बिलीव आई वुड से ट्रैवल फॉर लॉन्ग ड्राइव्स मे बी हम्पी और कुर्ग बिकॉज दैट्स द यू कैन से बेनिफिट ऑफ लिविंग इन बेंगलुरु के ये सब चीजें बहुत पास में आपके. सो मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ लॉन्ग ड्राइव्स के अंदर. तो उस समय के ऊपर ये सब चीजें बहुत काम आ जाती है. तो इसलिए मैंने ये एयर फिलर एक्स्ट्रा लगवा ले लिया मैंने वॉशर का. And it was highly recommended by my fellow members in Team BHP also. So, ये मैंने ले लिया था एक. Okay. So, these are, I would say, all in all, I would say, accessories which I have got. Sorry. One accessory I forgot. एक accessory मैं भूल गया था. This is the spotty bumper. Okay. जो मैंने extra लगवाया है. Okay. So, it gives a spotty look. Spotty look, definitely. That's it. Yeah. कहीं ना ये बम्पर प्रोडक्शन का भी काम करता है. जी जी जरूर जरूर जरूर. और बेसिकली मैंने जैसे देखा है कि कई लोग बुल बार लगा लेते हैं जिसका कुछ फायदा नहीं. जिसका कोई फायदा नहीं. एग्जैक्टली. आप लगाना बुल बार का कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता. ये लगाना चाहिए. इनफैक्ट बुल बार जो है वो इलीगल भी है. बैन भी है. बुल बार जो है इनफैक्ट बैन भी है. मतलब इलीगल भी है. दैट इज इलीगल. जी सही बात है. जैसे आपकी वीडियो के अंदर मैं एक देख रहा था. बहुत आपने अच्छी चीज बताई थी मुझको प्रीवियस वीडियो के अंदर कि चप्पल पहन के गाड़ी चलाना भी बैंड है. एग्जैक्टली. सर ये गाड़ी आपको ड्राइविंग वाइज कैसी लगी? ड्राइविंग वाइज मैं आपको अगर बताऊं तो इसके अंदर जो मुझको थ्रस्ट आ रहा है इनफैक्ट मैंने पास्ट ओनरशिप जो मैंने आपको बोली मेरे पास 3 मारुति की कार थी. 2006 में मैंने 5.5 साल तक मारुति 800 ड्राइव करी जो बेसिकली हर मिडिल क्लास आदमी की सबसे पहली गाड़ी होती है. फिर देन आई वेंट टू वैगन आर ब्लू व्हाइट बाय उस समय में चलती थी बहुत फेमस हुई थी. तो वैगन आर थी और मेरी हाइट भी 6 की है. तो और दूसरा मेरे उस टाइम में उसमें अपने पेरेंट्स के साथ रहता था तो इंग्रेस एग्रेस मुझको देखना था. सीट देखनी थी मुझको. मेरी हाइट का कंफर्टेबल देखना था तो मैंने वो ली थी. उसके बाद आई वुड से थोड़ा जिम के अंदर मेरा बैकेज हो गया था. जिम के अंदर कुछ गलत तरीके से वेट उठा लिया था. बैकेज हो गया था. तो दूसरी बार भी फिर मेरे पास ऑप्शन सिर्फ वैगन आर का था. मेरे पास बकेट सीट वाली कोई गाड़ी का ऑप्शन नहीं था. कुछ था नहीं.
बजट के हिसाब से मैं बड़ी गाड़ी में जा नहीं सकता था, तो मैं वैगन आर 1.2 उसी समय पे लॉन्च हुई थी 2019 में, आई वॉज लुकिंग एट, आई वॉज शिफ्टिंग माई कार, तो मैंने वैगन आर ZXi 1.2 ली थी मैनुअल, और वो मैंने बेसिकली 3 साल के करीब चलाई। इस बार मेरे को अच्छा रेट उसका मिल रहा था, तो आई जस्ट सोल्ड इट ऑफ टू ट्रू वैल्यू इटसेल्फ और मैं महिंद्रा में आ गया। ओके, तो एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं आपको बताऊं आपके आंसर से, मैंने 3 गाड़ियां चलाई हुई है, उसके अलावा मैंने मेरे दोस्तों की तरफ से आई वुड से क्रेटा हो गई या नेक्सन हो गई, बहुत लॉन्ग ड्राइव से मैं ले जा चुका हूँ उनको, तो मेरे को जो इसके अंदर जो गाड़ी में थ्रस्ट मिलता है, एक गाड़ी के अंदर एक पावर, एक फील आती है, इनफैक्ट व्हाट आई फील दिस इज अ कमर्शियल कार, जो आपको एक थ्रस्ट मिलता है, एक फील आती है गाड़ी चलाने के अंदर आपको, आई वुड से जो पावर आपको मिलता है गाड़ी के अंदर, जो पिकअप आपको मिलता है, जो बेसिकली आई वुड से ओल्ड स्कूल वैल्यूज, लेकिन एज अ कमर्शियल मेरे को वो सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। थ्रस्ट आई वुड से पिकअप में अगर बोलूं तो बहुत ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए आरपीएम के ऊपर, लेकिन शुरुआत के अंदर नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे को फिर भी मैं बेसिकली कई बार लेता हूँ तो बहुत फायदेमंद होता है। जैसे आप अगर कभी कट मार रहे हो किसी का आई वुड से व्हीकल से, तो ये सब चीजें बहुत बहुत उस समय के ऊपर फायदेमंद हो जाती है। डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है आपको ना बेसिकली। जी जी, ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है कि, और एक कमांडिंग पोजीशन देती है। अगर आपने देखा हो तो मैंने दूसरी भी गाड़ियां देखी थी इस सेगमेंट के अंदर, आई एम नॉट गोइंग इनटू हायर बजट, इस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी है जो आपको एक कमांडिंग पोजीशन देती है। जैसे अगर आप देख पाए तो मैंने अपनी सीट को अभी ज्यादा ऊपर नहीं करा, लेकिन मैं कमांडिंग पोजीशन के ऊपर बैठा हूँ, मुझको सब दिख रहा है आगे, जो बेसिकली शायद आपने भी इसके बारे में बताया था। एक्जेक्टली, मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत अच्छा इस गाड़ी के अंदर, मतलब बाकी गाड़ियों के मुकाबले जो है इसके अंदर कमांडिंग पोजीशन काफी अच्छी है, आपको सब कुछ सामने से दिखाई देता है। हाँ जी। और अभी तो मैंने बेसिकली अगर आप देख पाओ तो मैंने ज्यादा ऊंची नहीं की है, मेरे हाइट के हिसाब से अभी भी थोड़ी जगह बाकी है, तो और अगर मैं सीट ऊंची कर लेता हूँ तो और अच्छा कमांडिंग व्यू आ जाएगा मुझको, लेकिन अब उससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। सर आपका इसके अंदर माइलेज वगैरह, जैसे बताते हैं कि आपने बैंगलोर के अंदर है, सिटी टू सिटी, मतलब सिटी के अंदर ही ज्यादा चलती है आपकी, और बम्पर टू बम्पर ड्राइव रहता होगा जैसे दिल्ली के अंदर मेरा भी रहता है, जरूर जरूर, माइलेज वगैरह क्या देती है आपको ये? तो अभी तो बेसिकली माइलेज कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है ना कुछ कम हुआ है, बिकॉज मेरा माइलेज 10 के करीब ही अभी तो मुझको मिल रहा है, फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा बेटर होगा, पहली सर्विस के बाद वो उसमें चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा इंक्रीज होगा आपका, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि दूसरा ये बम्पर टू बम्पर है। एग्जैक्टली, नहीं जैसे मैंने भी बताया था कि मेरी भी दिल्ली के अंदर चलती है, मतलब 50 किलोमीटर तो मतलब पता नहीं चलता, और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर की है यहाँ पे, तो लेकिन फिर भी जो है मेरे को अप्रोक्सीमेटली 12-13 के आसपास की दे रही है एवरेज। जी, तो मेरे हिसाब से दिस इज मोर देन इनफ, अगर आप सिटी टू बम्पर टू बम्पर की अगर आप बात कर रहे हैं और हायर इंजन के ऊपर गए हैं, हायर आई वुड से टॉर्क के ऊपर गए हैं, आप अगर बड़ी गाड़ी में गए हैं सेगमेंट वाइज के अंदर, इस सेगमेंट में गए हैं, डेफिनेटली जैसे मैंने पूरा बोला कि मैं पहले वैगन आर के अंदर था, अब मैं 3995 वाले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर हूँ, तो जितना आप इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर आप जिनसे बात करी है जिनके पास मेरे कई दोस्तों के पास XUV300 भी है, तो उनके हिसाब से उनको हाईवे पे आराम से 17-18 आराम से मिल जाता है। एक्जेक्टली, मुझे भी 17-18 के आसपास इजीली मिल जाता है हाईवे के ऊपर। जी, तो विश्वास जी अगर ये कहा जाए कि आप किसी को रिकमेंड करना चाहे तो करना चाहेंगे क्या XUV300 को? 100% मैं करना चाहूंगा, 100% करना चाहूंगा। अगर आप इसके अंदर देख पाए तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी एक दूसरी भी फीचर दी हुई है, आई वुड से स्टार्ट स्टॉप की। एग्जैक्टली, जैसे ही अगर आप आई वुड से किसी ट्रैफिक के अंदर रुक रहे हैं तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी और सिंपल आपको क्लच दबा के आपको गाड़ी शुरुआत कर लेनी है। जी, तो दिस ऑल्सो हेल्प इन माइलेज अलॉट। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, मैं 100% इसको रिकमेंड करना चाहूंगा अगर कोई ले रहा है ये गाड़ी तो, और उसके पास ये वाला बजट है तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपने सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ी है तो डेफिनेटली बजट तो एक कंसर्न है ही। जी, वो सोचना ही पड़ता है, और हम जैसे मिडिल क्लास को चीज ज्यादा सोचनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए 10 और 11 लाख तक स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर अगर 1 या 1.5 लाख के अंदर आपको अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छी मतलब एक बेटर गाड़ी मिलती है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद दिस। 100%, 100%। और मुझको जो लग रहा है कि बेसिकली दिस कैन बी अ लॉन्ग टर्म कार ऑल्सो, जिस हिसाब से मेरे को अभी शुरुआत के अंदर जैसे मैंने बहुत बहुत क्वेश्चंस किए थे डीलर से, तो जो मैंने जिस तरह से उनका जाना कि जैसे कि इसकी सीट के नीचे बॉल बैरिंग्स और वो सब, तो लेकिन कभी कभी आई वुड से चू चू वो मतलब कुछ आवाजें आएंगी आपको,
लेकिन वो बॉल बैरिंग है, बोले कि वो हमने फीडबैक लिया था हमारी पुरानी गाड़ियों के अंदर से कि भैया निगल्स बहुत आते हैं गाड़ी के अंदर, आई वुड से चीजें बहुत हिलती है, तो बोले वो हमने पुराना फीडबैक लिया था और हमने वो बॉल बैरिंग और वो सब सीट में फिल रखे हुए हैं, तो इतना ज्यादा इश्यू नहीं आना चाहिए। सुना भी नहीं है, एक डेढ़ साल से कुछ सुना भी नहीं है। मैंने भी 1.5 साल हो गया चलाते हुए, तो मैंने बताया कि जैसे मुझे भी कोई इस तरीके की कोई साउंड आज तक फील नहीं हुई। जी जी, और मैंने तो बेसिकली गाड़ी लेने से पहले बस आप ही थे जिनका वीडियो मैंने गो थ्रू करे थे, जिससे आई वुड से आपने मुझको आई वुड से बहुत कन्विंस किया था कि नहीं यार एक्चुअली 300 में ही जाना चाहिए। इन सेंस कन्विंस फेस टू फेस नहीं किया था, लेकिन आपके वीडियो के थ्रू कन्विंस हुआ था मैं दोबारा जल्दी ही मिलना चाहेंगे और आपसे फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस के बाद का रिव्यू भी लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा महिंद्रा एक्सयूवी 300 के साथ में आफ्टर 3 months एंड आफ्टर 1 year। विश्वास जी एक चीज और है, लोग वीडियोस देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, विच इज टोटली फ्री, और जो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन होता है ना, यही हमें मोटिवेट करता है टू मेक गुड वीडियोस। जरूर 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 दोस्तों, जो भी बेसिकली ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आई वुड से सब्सक्राइब टू दिस वुड गिव आई वुड से कॉन्फिडेंस टू अस टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू, मोर हेल्पफुल वीडियोस फॉर यू ऑन एक्सयूवी 300 एंड मे बी विद मल्टीपल अदर आई वुड से ऑप्शंस टू। So please rate this, I would say subscribe to this channel and all, and so that's what I require, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot.